हाय, आज जैन साहब आए बोलते हैं, मैंने यार ये सफेद वाले चावल शक्कर एकदम बंद कर दिया है, सफेद शक्कर और सफेद चावल दोनों। लेकिन उसके बाद भी यार मेरी शुगर तब भी अभी भी 200-250 के ऊपर ही आती है, क्या चक्कर है? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने जैन साहब एक बार बताओ, आपने शक्कर तो खाना बंद कर दिया है, गुड़ खा रहे हैं क्या? तो बोले हाँ, गुड़ तो मैं खाता हूँ, शक्कर चाय में डाल के गुड़ खाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, और एक चीज़ और बताइए, मैंने कि जैन साहब आप क्या आप अगर चावल बंद कर दिए तो क्या रोटी की मात्रा बढ़ा दी क्या यहाँ पे आपने? और रोटी कौन सी वाली खा रहे हैं? बोले गेहूं की रोटी खाता हूँ। तो क्या आप लोग भी इसी तरह जैन साहब की तरह आपने अगर चावल बंद किए तो रोटी की मात्रा बढ़ा दी है, स्पेशली गेहूं की रोटी की, और शक्कर की जगह गुड़ खा रहे हैं? तो यही तो सारा 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 लफड़ा है, क्योंकि डायबिटीज में गुड़ शक्कर और अगर रोटी अगर आप बढ़ा देंगे तो शुगर कैसे कंट्रोल होगी? कोई कोई रोटी के अंदर भी जो है वो बहुत सारी शुगर है, यानी स्टक बहुत बड़ी मात्रा में शुगर है। कोई भी रोटी जाते ही वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, और ऐसे ही गुड़ और शक्कर में हमारे शरीर के लिए कोई भेद नहीं है, दोनों ही हमारे लिए शक्कर है एक प्रकार से। तो वहाँ भी वहाँ से भी शुगर आ रही है। तो ये कुछ मिथ्स हैं डायबिटीज़ के, जो कि आमतौर पर लोगों के बीच में रहते हैं कि हम गुड़ खा लेंगे या हम रोटी खा रहे हैं, हम तो हमने चावल बंद कर दिए। तो इन उसको भी कंट्रोल करना है, स्पेशली अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है अच्छे 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 तरीके से आप